गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है हमारा लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता के निर्धारक तत्व। तात्पर्य है कि लोक सेवा आयोग को कार्यपालिका के दबाव से किस प्रकार मुक्त रखा गया है। किसी भी रूप में यह पूछा जाए कि कार्यपालिका के दबाव से लोक सेवा आयोग को मुक्त रखने वाले तत्वों पर विवेक की प्रकाश डालें, या फिर लोक सेवा आयोग के निर्धारक तत्व कौन, लोक सेवा आयोग के की स्वतंत्रता के निर्धारक तत्व कौन हैं, ये बातें समान होती हैं। ओके, भारत के संविधान में भाग 14 में 308 से लेकर 323 और 323 ए में लोक सेवा तथा लोक सेवा आयोग को स्थान दिया गया है। ओके, लोक सेवा आयोग 315 अनुच्छेद, 316, 317, 318, 319, 320, 21, 22 और 23 तक में है। लोक सेवा आयोग का गठन, लोक सेवा आयोग में सदस्यों की नियुक्ति, लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पदच्युत करना, ये समस्त तथ्य लोक सेवा आयोग के कार्य और दायित्व जो 320 में है, ये समस्त तथ्य इन्हीं के बीच रखे गए हैं। ओके, हमारे यहाँ संघीय स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग है और प्रत्येक राज्य में लोक सेवा आयोग है। एक से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जा सकता है, यानी कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही लोक सेवा आयोग होगा। जब यूपीएससी और संयुक्त लोक सेवा आयोग की बात करें तो उसमें सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति हस्ताक्षर और मुहर से करते हैं, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हस्ताक्षर और मुहर से राज्यपाल द्वारा की जाएगी। क्लियर? तो मैं कहूं कि इसकी स्वतंत्रता के निर्धारक तत्वों को देखने के लिए बेहतर होता है कि कुछ आर्टिकल्स हैं जिन्हें हम अपने इसमें ये अपने आप को कंसंट्रेट उस आर्टिकल पर हम कर लें तो फिर ये टॉपिक आसान है हमारे लिए। अनुच्छेद 315 जिसमें कि इसका गठन है, ठीक है, 316, 317, 316 लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति और उनके कार्यकाल से संबंधित है, कार्यकाल से संबंधित है। 317 इनकी पदच्युति से, इनकी पदच्युति से जुड़ा हुआ है, यानी कि इन्हें पद से हटाए जाने की प्रक्रियाएं वे 317 में कही गई हैं। 318 जो है वह इनकी सेवा की शर्तों का निर्धारण है। क्लियर? और 319 अवकाश प्राप्ति के बाद, प्राप्ति बाद नियोजन के लिए जो मर्यादाएं होती हैं उन मर्यादाओं को अधिकथित करता है, बतलाता है हमें। और 322 देखिए, यहाँ पर हमने 20-21 क्यों छोड़ा, क्योंकि वह लोक सेवा आयोग के कार्यों को लेकर है। हम कह रहे हैं सीधे 322, तो 322 जो है वह आयोग के व्यय इससे संबंधित है। ओके, अब एक एक करके हम देख लें कि लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जो बात है, तो अभी हमने कहा कि यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा ये नियुक्त किए जाएंगे और इनका निश्चित कार्यकाल है। यूपीएससी के केस में सदस्य और अध्यक्ष, अध्यक्ष और सदस्य इन ये 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर होंगे। ओके, अगर राज्य लोक सेवा यूपीएससी, अगर राज्य की लोक सेवा है या संयुक्त लोक सेवा आयोग है, तो वैसी केस में 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्य करेंगे। तात्पर्य यह, मैंने पहले ही कहा कि प्रसाद पर्यंत सिद्धांत से लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्षों को अलग रखा गया है। यह एक संवैधानिक निकाय है, इसलिए लोक सेवकों की तरह इनके ऊपर प्रसाद पर्यंत सिद्धांत लागू नहीं होते हैं और इन्हें अपने पद से च्युत करने की प्रक्रिया यह अनुच्छेद 317 में वर्णित है, यानी कि 317 की जो प्रक्रिया कही गई है उससे इतर कोई अन्य तरीका नहीं है जिसमें कि इन्हें इनके पद से
पद पर रहते हुए पद से हटाया जा सके। ओके, तो इसमें मैं ये कहूँ कि इनकी पदच्युति का जो मामला है उसमें एक चीज की समानता है, राज्य लोक सेवा आयोग हो या संयुक्त लोक सेवा आयोग हो या यूपीएससी हो, सदस्य या अध्यक्ष को उनके पद से राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। उनकी पदच्युति की कार्यवाही राष्ट्रपति नोटिफिकेशन द्वारा करेंगे। आपने क्या देखा कि राज्यपाल ने राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति की, किंतु हटा नहीं सकते, हटाएंगे राष्ट्रपति ही, और राष्ट्रपति भी ऐसी कार्यवाही उच्चतम न्यायालय की जांच रिपोर्ट पर ही करेंगे, अन्यथा नहीं। ओके, मैं आपको बताऊं कि ये जो हमारे हैं लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष, मान लीजिए राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं और उन्हें राज्यपाल ने नियुक्त कर दिया। ओके, इनके विरुद्ध ये सदस्य अगर कोई हैं, इनके विरुद्ध अगर कोई मामला बनता भी है तो पदच्युति की कार्रवाई इनके हक में नहीं है, वो राष्ट्रपति महोदय करेंगे। मामला कहाँ जाएगा? पहले सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट उस पर अपना मंतव्य देगा, वह मंतव्य राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होगा और राष्ट्रपति उन्हें पद से पदच्युत करेंगे। डजंट मीन कि वह राज्यपाल द्वारा नियुक्त सदस्य थे। क्लियर? अब इसमें मैं ये कहूं किन आधारों पर पदच्युति किन आधारों पर की जा सकती है, तो एक तो यह कि अपने पद पर रहते हुए इन्होंने कोई लाभ का पद ग्रहण कर लिया हो या कोई ऐसी ऐसा मतलब कार्य किया हो जिसमें कि इन्हें धन प्राप्त हो रहा हो। दूसरा है यह कि राष्ट्रपति की समझ में, राष्ट्रपति के संज्ञान में ये शारीरिक रूप से अक्षम हो गए हों या कोर्ट द्वारा दिवालिया हो गए हों। तो इसे हम क्लियरली ये कह सकते हैं कि इन्हें हटाने का आधार शारीरिक अक्षमता या साबित कदाचार है। ये बड़ी ही कॉमन, एक स्टैंडर्ड कॉमन लैंग्वेज होता है कि साबित कदाचार या शारीरिक अक्षमता के आधार पर या न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किए जाने पर इन्हें इनके पद से हटाया जाएगा और ऐसी कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट की जांच रिपोर्ट के बाद ही की जाएगी, अन्यथा नहीं। क्लियर? फिर देखिए, हमने कहा कि इनकी सेवा की शर्तों का निर्धारण, तो सेवा की शर्तों का निर्धारण वह तो विधायिका के नियमन से हुआ, किंतु इन्हें सुरक्षा क्या दी गई है? सुरक्षा यह दी गई है 318 में कि अपने पद पर रहते हुए इनके वेतन भत्ते और परिलब्धियां जो भी इन्हें प्राप्त हैं, परिलब्धियां इनमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तात्पर्य यह कि इनके वेतन भत्ते में किसी प्रकार की कटौती नहीं होगी, इन्हें जो भी मिलते हैं, जो इन्हें परिलब्धियां प्राप्त हैं उसमें किसी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं करने का अर्थ कि विधि बनाकर भी संशोधन अगर आप करते हैं उस एक्ट में तब भी आप कोई परिवर्तन ना कर सकेंगे। तीसरी बात यह कि हमने कहा कि अवकाश प्राप्ति के बाद नियोजन, तो ये थोड़ा सा समझने वाला विषय है, इसमें थोड़ी टेक्निकलिटी टेक्निकल पॉइंट इसमें आता है। जैसे कि हम लोग ये कहते हैं ना कि लोक सेवा आयोग, ये क्या कहते हैं, इलेक्शन कमीशन या जजेस के लिए कि वह किसी सरकारी लाभ के पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है बाबू उन सबों से। वो ये है कि यूपीएससी के अध्यक्ष, ओके, अपने पद से अवकाश प्राप्ति के बाद किसी भी लाभ के पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। क्लियर? मतलब आयोग के भीतर या बाहर कहीं भी उनकी पुनर्नियुक्ति नहीं होगी, किंतु अगर वे लोक सेवा यूपीएससी के
सदस्य हैं, सदस्य। तो ये यूपीएससी के अध्यक्ष हो सकते हैं या किसी राज्य लोक सेवा आयोग में, सेवा आयोग में अध्यक्ष हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त आयोग के भीतर या बाहर किसी पद पर उनकी नियुक्ति नहीं हो सकती है। आ जाइए कि संयुक्त लोक सेवा आयोग, संयुक्त या राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य आयोग के अध्यक्ष पर पहले आइए। इसके अध्यक्ष दूसरे राज्य संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हो सकते हैं या यूपीएससी के सदस्य या अध्यक्ष। समझ रहे होंगे कि किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग के या संयुक्त लोक सेवा आयोग में वे सदस्य नहीं होंगे, अध्यक्ष हो सकते हैं। यूपीएससी में मेंबर या अध्यक्ष हो सकते हैं, लेकिन अगर ये इसके सदस्य हैं, अध्यक्ष नहीं है, संयुक्त लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं, तो उसी आयोग में या दूसरे राज्य संयुक्त आयोग में अध्यक्ष या यूपीएससी के सदस्य या यूपीएससी के अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। ओके, क्लियर। अब जरा सा एक बार देखिए, 317 में जो हटाने की प्रक्रिया थी, आपको मैं बताऊं कि बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हुआ करते थे रामाश्रय प्रसाद यादव, उनके ऊपर चार्जेस थे, जांच की कार्यवाही चल रही थी। तो हटाने की प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट आएगी तब हटाएंगे, रिपोर्ट अगर लंबित है तो इस दौरान राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो उन्हें उनका निलंबन कर सकते हैं। और ये बीपीएससी के अध्यक्ष थे रामाश्रय प्रसाद यादव, ये रिटायर हो गए। जिस दिन ये रिटायर हुए, रिटायरमेंट के बाद उसी रोज, कार्यालय अवधि के बाद, इन्हें अपने पद से निलंबित कर दिया गया। औचित्य क्या होगा, वो तो रिटायर कर चुके थे, उसके बावजूद उन्हें उस दिन, उनका अंतिम दिन वो कार्यकाल अपने ऑफिस में गुजार चुके थे, उसके बाद उनके इसकी जरूरत क्या थी। जरूरत थी, क्यों, जरा इस 317 को 319 के साथ देखिए, क्योंकि उन्हें यूपीएससी में अध्यक्ष बनाया जा सकता था इस दौरान, चूंकि उनके ऊपर चार्जेस थे। बाद में ये सारे चार्जेस खत्म हो गए, वे चार्जेस में आरोप मुक्त हो गए थे, लेकिन उस वक्त तो उनके ऊपर चार्जेस थे। संभव था कि वे यूपीएससी के मेंबर नियुक्त कर दिए जाएं, यूपीएससी के अध्यक्ष नियुक्त कर दिए जाएं, ठीक है, तो इसलिए राष्ट्रपति ने उन्हें निलंबित किया था। क्लियर। एक टॉपिक, एक आर्टिकल और था इनकी स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ, वो था 322 क्या कहता है बाबू, तो वो कहता है कि लोक सेवा आयोग के व्यय, यानी कि लोक सेवा आयोग के सदस्यों के, अध्यक्ष के वेतन भत्ते और जितने भी लोक सेवा आयोग के व्यय हैं, वे यथा स्थिति संचित निधि पर भारित होंगे। इसका तात्पर्य हमने ये कहा कि यूपीएससी का जो व्यय है वो भारत की संचित निधि पर भारित है और राज्य लोक सेवा आयोग के मामले में राज्य की संचित निधि पर भारित है। ओके, 322 तो यही कह रहा है। इसका तात्पर्य क्या हुआ, इसका तात्पर्य यह हुआ कि जब ये आपका अनुदान की मांग पेश होती है सदन में, तो इस पर चर्चा हो सकती है, इस पर मतदान नहीं होता है, ठीक है, ये ऑलरेडी पास है। संचित निधि पर भारित एक तकनीकी शब्दावली है, जिसकी विशेष रूप से चर्चा हम लोग वित्तीय प्रशासन वाले हिस्से में करते हैं, ठीक है। अभी यह कि यह संचित निधि पर भारित है और इस प्रकार इसे, यानी कि आयोग को, कार्यपालिका के दबाव से मुक्त रखा गया है। दैट्स ऑल।